करी है फूल सीक्रेट। हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें सब्सक्राइब करें। मामा आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? बेटा आज मैंने आपको घर में हर तरह का पास्ता बनाना सिखाया। ये दो फ्लेवर में होगा, एक एग नूडल्स होंगे और एक सिंपल जो नूडल्स चलते हैं वो। ये आप घर पर तैयार करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये देखिए मैंने इसकी आपको 9 तरह की वैरायटी बताई है। जो हम लोग बाजार से पास्ता लेने जाते हैं वही सेम चीज़ें हम घर पर तैयार कर सकते हैं। बहुत ईजी और आसानी से तैयार कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको इतनी आसान टिप्स बताऊंगी कि आप बहुत आसानी से अभी सारी चीज़ें घर पर तैयार करेंगे और बहुत ही इंजॉय कर पाएंगे। आपको भी खुशी होगी भी हम लोग अपने बच्चों को साफ सुथरे तरीके से खुद घर पर हमने डो गूंद दिया और हमने हर तरह का पास्ता तैयार किया। ये बहुत ही ईजी पास्ता। अब जो मैंने डो गूंदी थी ये देखिए मैंने एक सांचा लिया, उसके अंदर आप इसको डालकर इस तरह सेवैयां निकालेंगे। पर पास्ता बनाने के लिए मैंने एक कप मैदा लिया है, इसके अंदर पानी डालकर जस्ट इसको गूंद लेना है। जैसे सिंपल हम मैदा गूंदते हैं बिल्कुल आम नॉर्मल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा कोई कुछ नहीं करना। बस इस तरह हमने इसकी डो गूंद के रख ली हुई है। आपने डो गूंदने के बाद मैंने एक सांचा लिया, उसके अंदर मैं इसको डालकर आपको बताती हूँ मैं किस तरह इसके नूडल्स तैयार करती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो आप इसको जैसे मैंने दूसरा पास्ता बनाया इसी तरह इसको आपने बेलते जाना है और बिल्कुल बारीक बारीक काट लें। यही शेप नूडल्स की है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के आप नूडल्स घर पर ही तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारे नूडल्स तैयार हो रहे हैं, इतनी मतलब बहुत ही अच्छा से आप इसको उबाल लेंगे, इसी वक्त बड़ा फ्रेश सा टेस्ट आएगा, आपको ये बहुत पसंद आएंगे, बहुत मज़े के ही आपको लगेंगे। घर पर जो तैयार की हुई चीज़ उसका अपना ही टेस्ट होता है। अब मैं आपको दूसरी डो बताती हूँ, मैंने पहले बता चुकी लगे फिर बताती हूँ। मैंने एक कप मैदा लिया, इसके अंदर जर्दा कलर डाला है और 2 अदर अंडे में इसके अंदर शामिल करूँगी। करने तो मैंने 3 है लेकिन अभी फ़िलहाल इसके अंदर 2 अदर शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब हम लोग देखेंगे कि ये इसके अंदर पूरा आ रहा है तो ठीक है, वरना हम इसके अंदर एक अंडा और शामिल करेंगे और 1 चम्मच के करीब हम लोग इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। हमें लग रहा है कि इसके अंदर एक अंडा और जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं 1 कप के अंदर 1 कप और 1 टेबलस्पून के अंदर आपने 3 अंडे शामिल करने हैं। ये बेहतरीन किस्म की आपकी मैंने टिप बताई है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल इसको आटे की तरह गूंद लेना है। अब मैं इसके अंदर 1 अदर अंडा और शामिल करूँगी। अंडा शामिल करने के बाद 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर मैदा शामिल करूँगी। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैं इसको आटे की तरह गूंद लूँगी। बस आप बहुत ही यकीन करें घर पर ये बहुत कम बचत बहुत मज़े की और टेस्टी तैयार होते हैं। ये देखिए हम आटे की तरह हमने इसको गूंद लिया है, बहुत अच्छी हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे 5 मिनट रेस्ट देने के बाद। रोटी की तरह हम इसको बेल रहे हैं, आप इसको इतना अच्छा बेलना है कि बिल्कुल इक्वल हो, ये ना हो कहीं से मोटा है कहीं से पतला, ऐसा कुछ नहीं करना। अब मैं ये देखिए हमारी रोटी बेल चुकी है, तो मैं इसकी तह लगा के बताती हूँ। आपने पहले इसको उठाना है, ऐसे फोल्ड करना है, पर मैंने मैदा लगा दिया हुआ, फिर दूसरी तह इसके ऊपर रखेंगे ऐसे ही, क्योंकि मैदा टॉस किया ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेगा। अब अपने छुरी की मदद से इसको बारीक बारीक काट लेना। अगर तो आप नूडल्स बनाना चाहते हैं उसको इतना बारीक काट लें, बिल्कुल बेहतरीन किस्म के नूडल्स इस तरह तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमने कितना ज़बरदस्त किस्म का पास्ता तैयार कर लिया हुआ है। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ, यकीन करें आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप घर पर तैयार करेंगे ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा पास्ता देखिए पट्टियों की तरह खुल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एग नूडल्स हमारे तैयार हो चुके हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसलिए मैं बताती हूँ घर पर बाज़ का चीज़ नहीं भी होती तो घर बंदा घर से निकाल लें और वेजिटेबल घर में पड़ी होती है उसके अंदर बनाकर बच्चों को दे, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। क्योंकि आजकल तो बच्चों की डिमांड ही यही है कि हमें हर तरह का पास्ता बना कर दें। ये देखिए मैंने 2 तरह की शेप बनाना सिखा दी हुई है। अब हम मैंने एक कंघा लिया है, नया कंघा था, इसके ऊपर आपने बिल्कुल बारीक किस्म के जो हल्का सा मैदा पकड़ते जाना और इस तरह बनाते जाना, बिल्कुल ये नहीं बहुत मोटे मोटे बारीक किस्म का थोड़ा सा बस मैदा लेना है। कितनी खूबसूरत शेप आना शुरू होगी नहीं है। आपने अभी इसी तरह एक फोक लेना है, फोक के ऊपर भी आपने इस तरह इसको दूसरी शेप दे देनी है। आप जब खुद ये चीज़ें तैयार करेंगे यकीन आपको इतनी खुशी होगी कि हम लोग घर पर पास्ता तैयार कर रहे हैं और बहुत ही इंजॉय करके बच्चों को खिला रहे हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे लगेगा आपको भी बहुत खुशी होगी। अब ये देखिए मैंने फोक पर जितने भी रास्ते बना सिखाए ये बहुत ही ईजी तरीका है, इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ ताकि आप जब बनाएं तो आपको भी इतनी आसानी से तैयार करें, लेकिन हमें इसको मुकम्मल बंद करना है। अब जो मैंने सिंपल डो गूंद के रखी थी उसको आपने अच्छी तरह बेल लेना है, जैसे मैंने पहले रोटी बेली है इसी तरह इसको भी हम लोग इक्वल बेलना है। ये नहीं कि हमें कहीं से मोटा है कहीं से पतला, नहीं बिल्कुल बिल्कुल बारीक। इससे मैं आपको
बहुत अच्छी चीज़ें थी। अब मैंने एक बोतल का ढक्कन होता है, क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए आपको ये चीज़ें दिखा रही, लेने को तो मैं सांचा भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं बोतल का ढक्कन इसलिए बता रही हूँ ताकि ये चीज़ें हर बंदे को मिल सकती हैं, ये मुश्किल नहीं है। इस तरह अपने सारे में से इस तरह इसके ढक्कन डालकर हमने छोटी छोटी इसके अंदर से पीस निकालते जाना है। और ये मैंने दो टिक्के स्टिक ली थी, उसको दरमियान से पकड़ के हमने इसको इससे फोल्ड कर देना है। ये हमारा टाई पास्ता तैयार होगा, जो बाज़ार में बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मुफ्ती शेप का पास्ता जब आप बच्चों को बना के देंगे, ये उनको बहुत ही मज़े का लगेगा। फ्लेवर आप मैं फ्लेवर बनाना भी आपको सिखाऊंगी। ये देखिए टाई पास्ता, ये हमारे मुख्तु किस्म के पास्ते की शेप आ रही है। अब मैं आपको दूसरा पास्ता बनाना सिखा रही हूँ। ये हमने कंघे का मोटे वाला हिस्सा लिया है, उसके ऊपर आपने ये वाला पास्ता बनाना है। इस पास्ते को आपने खुला नहीं छोड़ना, इसको बिल्कुल जैसे देखिए जैसे मुँह बिल्कुल अंदर से बंद, जैसे मैक्रोनी होती है इसी तरह इसने इसको मैक्रोनी की तरह बिल्कुल बंद कर देना है। इस तरह की मुख्तलिफ शेप के जब आप पास्ते अपने बच्चों को घर पर बना के दिखाएंगे, उनका दिल चाहेगा, आपको भी खुशी होगी कि मैं साफ तरीके से हम लोगों के घर पर तैयार कर रहे हैं। आजकल तो वैसे भी कोरोना चल रहा है, जिसकी वजह से हमें हिफाजत की बहुत ज़रूरी है। अब आपने इस तरह इसको राउंड घुमाना और छुरी की मदद से हमने इसको बारीक बारीक काट लेना है। अब फिर हम लोग एक टिक्का स्टिक लेंगे, उसको इसके सिरे एक साइड पर रखेंगे ऐसे, इसको दबा कर। अब हमने ऊपर से इसको ऐसे पुश करके जाना है, इसको इस तरह घुमाते हैं। ये देखें एक और शेप तैयार हो गई है। अब इस तरह मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप बहुत आसानी से बहुत मज़े से चीज़ें तैयार कर सकें। अब जो मैंने रोटी बेल के रखी थी, उसको थोड़ी थोड़ी पट्टियाँ काटूँगी ताकि हम लोग अल्फ्रेडो पास्ता बनाना सिखा सकें। अल्फ्रेडो पास्ता मैंने पहले बारीक सिखाया, अब ये आपको चौड़े वाला सिखा रही हूँ, क्योंकि आप जो भी रेसिपी बनाएंगे इस चीज में जो जो चीज़ करेंगे वो पूरी आएगी। मैं आपको सिर्फ उसकी शेप बता रही हूँ। अब हमने जो रोटी बेल के रखी हुई थी उसको हमने फोल्ड करके रखा हुआ है, उसके अंदर से हमने इस तरह दो चौड़े पीस काटेंगे। ये हमारा लज़ानिया तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से आप घर पर ही लज़ानिया की पट्टियाँ बना सकते हैं। बस ये मैदा ही होता है और इसके अंदर कुछ नहीं होता, बस इसको आपने इस तरह बनाना है, इसको बेलना है, आपकी लज़ानिया की पट्टियाँ घर पर ही तैयार हो जाएंगी। जब आप खुद घर पर ये तैयार करेंगे तो इतना मज़े की साफ़ सुथरी आप रेसिपी तैयार कर सकते हैं और आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सके। ये देखिए मैंने आपको कितनी ज़्यादा शेप बनाना सिखा दी हुई है बहुत ही आसानी से। अगर आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अगर आप घर पर बनाएं और अच्छी बने तो मुझे फीडबैक ज़रूर में बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगा। मुझे खुशी होती है कि मैं आपको रोज़ नई से नई चीज़ सिखाऊं। आप मेरी तारीफ मतलब अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ तो आप भी मेरे प्लीज़ पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी मेरे पेज को देखेंगे तो मुझे खुशी होगी। आपको कुछ नया सीखना है मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको नई से नई चीज़ बनाना सिखाऊंगी। अब मैं आपको मैं चाह रही थी एक शेप और बनाना सिखाऊं। अब मैंने इसी तरह उसको राउंड घुमाया था थोड़ी सी लेकर, आपने पट्टी और एक पेंसिल लेनी है, पेंसिल के ऊपर भी आपने इसको इस तरह फोल्ड करते जाना है। तो एक और ये 9-10 शेप्स हो गई हैं। आप इजी तरीके से आप घर पर ही पास्ता तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। नहीं सीखने वाले बच्चे के लिए बहुत ही आसान इजी रेसिपी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुझे दुआ।